and tells that you can't do salam in this college, you can't speak in Urdu, you can't speak in Bari, the language of Muslims, like you can't do that thing. दोस्तों राजस्थान में भी हिजाब का विवाद शुरू हो गया है। जयपुर के चाकसी में कुछ छात्राएं कस्तूरी देवी कॉलेज में हिजाब और बुर्का पहनकर पहुंचती हैं। छात्राओं को देख प्रबंधन ने कॉलेज यूनिफॉर्म पहनकर आने की बात कही। इस पर छात्राएं नाराज हो गईं और विरोध करना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आपको बता दें, छात्राओं ने अपने परिजनों को भी कॉलेज बुला लिया। चाकसी में कुछ छात्राएं बुर्का पहनकर कॉलेज पहुंच गई। कस्तूरबा कॉलेज प्रबंध ने छात्राओं को मुख्य भवन के प्रवेश देने से मना कर दिया और कॉलेज यूनिफॉर्म में आने के लिए कहा। नाराज छात्राओं ने हिजाब पहनकर ही कॉलेज में एंट्री देने की मांग को लेकर विरोध शुरू कर दिया। विरोध बढ़ता देख कॉलेज प्रबंधन ने मुख्य भवन का गेट ही बंद कर दिया। मौके पर पहुंचे छात्राओं के परिजन और ग्रामीणों ने हिजाब में ही छात्राओं को प्रवेश देने की मांग की, लेकिन कॉलेज पहुंची छात्राओं ने कहा कि भारत के संविधान में सभी वेशभूषा को मान्यता दी गई है, ऐसे में हमारे धर्म के लिबास को पहनने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ सांप्रदायिक लोग बेवजह हमें परेशान कर रहे हैं और सरासर यह गलत है। वहीं इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रबंध ने चुप्पी साध ली। वहीं विवाद बढ़ने के कुछ ही देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवा दिया। चाकसू पुलिस थाने में उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार वर्मा ने बताया, बुर्का हिजाब पहनने को लेकर पूरा विवाद हुआ था, लेकिन अब यह मामला पूरी तरह से शांत हो चुका है। कॉलेज के सहायक निदेशक सुमित शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में छात्राएं लगातार बुर्का पहनकर कॉलेज आ रही थी। लगातार कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्राओं को यूनिफॉर्म में आने के लिए बोला जा रहा था। छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन की बात को दरकिनार करते हुए बुर्का हिजाब पहनकर कॉलेज आना जारी रखा, जिसके बाद आज मजबूरन हमें सख्ती दिखाते हुए छात्राओं को रोकना पड़ा। इसके बाद छात्राएं कुछ असामाजिक तत्वों के साथ कॉलेज पहुंच गईं और जमकर नारेबाजी करने लगी। दोस्तों आपको बता दें, हिजाब की लड़ाई का चेहरा बनी आलिया असादी ने भास्कर को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि यह मेरा हक है और मैं इसके लिए लड़ती रहूंगी। उन्होंने कहा, हमारे टीचर लेक्चरर हम पर गंदे कमेंट करते हैं, वे हमारे सीनियर छात्राओं से कहते हैं, क्या आप नहाते वक्त भी हिजाब पहनते हो? तुम्हारा ड्रेस कोड आतंकवादी जैसा है। आलिया असादी हिजाब पहनने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाली 8 लड़कियों में शामिल हैं। जब कोई लड़की खुद को एक्सपोज करती है तब तो कोई उन्हें नहीं टोकता, जब हम खुद को ढक कर रखना चाहते हैं तो लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? सिख स्टूडेंट्स भी तो पगड़ी पहनकर स्कूल जाते हैं, उनसे भी किसी को समस्या है क्या? दबाव में कुछ दिन हमें हिजाब के बगैर ही स्कूल जाना पड़ा। अभी हमारी वो तस्वीरें वायरल करके कहा जा रहा है कि इन लड़कियों ने कभी हिजाब पहना ही नहीं है। हमारे स्कूल टीचर हम पर गंदे कमेंट करते हैं और हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाने के लिए कह रहे हैं, ये सब क्या है? दोस्तों हिजाब पहनने की मांग को लेकर आलिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं हिजाब के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, उसके बिना कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि यह मेरी पहचान का हिस्सा है। मैं बचपन से हिजाब पहन रही हूँ, यह मेरा गर्व है, मेरा सम्मान है और मेरी पहचान है, जिसे मुझसे छीनने की कोशिश की जा रही है। हिजाब मेरे लिए अब एक इमोशन बन चुका है। हिजाब की वजह से मेरी सारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, क्यों रोकी जा रही है? हिजाब पहनना भी मेरा अधिकार है और शिक्षा हासिल करना भी मेरा अधिकार है। मैं एक धर्म निरपेक्ष देश में रहती हूँ, जहाँ मेरे सामने ये परिस्थितियाँ ही क्यों आ रही है कि मुझे हिजाब में से या अपनी शिक्षा में से किसी एक को चुनना पड़े। राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। मुझे PFI और SDPI के बारे में पता भी नहीं है। हमारा सहयोग CFI कर रही है, जो हर मुद्दे पर छात्राओं का समर्थन करती है, चाहे वो स्कॉलरशिप का मुद्दा हो या कोई दूसरा मुद्दा हो। हम पहले परिजनों के साथ CFI के पास गए थे। मैं अपने हक के लिए अपनी पसंद से लड़ रही हूँ और कोई मुझे इसके लिए मजबूर नहीं कर रहा है। मैं आगे भी लड़ती रहूंगी। इस लड़ाई में मेरे परिजन CFI और मुसलमान समाज मेरे साथ है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।